very good morning dear children how are you all hope all are very good and also enjoying your online classes class once again i'm here with your new video and today in this video i discuss about that the present tense and present continuous tense so everyone firstly take out your book take out your english grammar book firstly and open your chapter 12 present tense okay students let's start but you are present tense may सबसे पहले समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ओके okay, इसे हम क्या कहते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और पहचान सकते हैं आपको बताया क्या है व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस पहले प्रेजेंट टेंस है क्या इस चीज़ को आप समझिए कि प्रेजेंट टेंस है क्या आपको डेफिनेशन बताया गया है कि आवर विच रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेट टू बी इन द प्रेजेंट टेंस ओके मतलब जो काम आपका वर्तमान समय में हो रहा है और जो वर्ब वर्ब मीन्स क्या होता है क्रिया रिफर करती है कि ये काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है ओके और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ रूल्स हैं इसको आप ध्यान से देखिए इस रूल्स में आपको देखना है तो बच्चों इसका रूल ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बेटा आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टेंस देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें मिलेंगी ठीक है लेकिन मोस्टली आपको क्या मिलेगा सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ओके ये आपके प्रेजेंट टेंस की पहचान है इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस करते समय आप एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे कि वर्ब आपका जब सिंगुलर होगा तो वहाँ पे आप वर्ब में एस लगाएंगे ठीक है जैसे कि आप देखेंगे एक लोग काम कर रहे हैं जैसे ही शी इट एंड या फिर किसी का नेम ओके या फिर किसी का नेम तो ये क्या है ये सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर फॉर्म के साथ आप वर्ब में एस या फिर यस लगाएंगे ओके समझ में आ गया जब भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट अकेला है ओके सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाती है जो काम कर रहा है ओके चाहे वो पर्सन हो चाहे वो प्लेस हो चाहे वो थिंग्स हो तो आप वहाँ पे लगाएंगे वर्ब में एस क्या लगाएंगे वर्ब में एस लगाएंगे या फिर एस जैसे आई गो टू स्कूल तो आई जो है बेटा ये आपका क्या है गो टू स्कूल बेटा अब इसमें देखेंगे आपके यहाँ पे आई यूज़ हुआ है लेकिन ये भी तो सिंगल है लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है रूल्स को पढ़ना है कि सिर्फ ही शी इट या फिर किसी नेम के साथ हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं और आई के साथ हमने क्यों एस नहीं लगाया या फिर ई एस नहीं लगाया क्यों नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे बेटा आप ध्यान देंगे कि जब भी आई वी यू और दे आएगा तो वर्ब में एस और ई एस नहीं लगेगा ओके चलिए एक्सरसाइज आप देखते हैं एक्सरसाइज वन में बेटा बहुत बच्चों को मैंने करने के लिए दिया था लेकिन कुछ बच्चों ने ट्राई किया है और कुछ बच्चों ने अभी तक इम्प्रूव नहीं किया है आप इसको ध्यान से देखिए जैसे माई ग्रैंड फादर अब ग्रैंड फादर बेटा क्या है ये सिंगरल है और सिंगरल के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि एस ई एस लगता है तो यहाँ पे आप माई ग्रैंड पेरेंट्स इट मीन्स दैट यहाँ पे सिंगरल है इसलिए आप यहाँ पे एस लगाएंगे ओके माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन मुंबई देन आप देखेंगे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट ओके okay? सन भी सिंगरल है इसलिए यहाँ पे सेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है प्लूरल हो जाएगा बेटा ये बच्चे हैं इसलिए यहाँ पे ड्रिंक है ही आपको पहले बताया गया है ना देखिए ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा तो आप ही के साथ क्या लगाएंगे वाटर में एस लगा देंगे ओके okay, क्योंकि प्लांट को वाटर दिया जाता है दे प्लूरल है इसलिए आप यहाँ पे गो ही लिखेंगे एंड रेन के साथ आप फॉल ही लिखेंगे सभी बच्चे एक्सरसाइज वन को अच्छे से देख कर कंप्लीट कर लेंगे और प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशंस मतलब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं विद द एग्जाम्पल एंड विद द रूल्स आप अच्छे से समझेंगे कि विद आई वी यू एंड दे के साथ हम बेस वर्ब लगाते हैं एंड ही शी इट के साथ हम वर्ब में इंड करते हैं एस और ई एस से ये रूल आपको समझना है सारे डेफिनेशन्स को सारे एग्जांपल को अच्छे से रीड करना है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप एक्सरसाइज को देखकर सॉल्व करेंगे ओके स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको बताया जाएगा सभी बच्चे एक्सरसाइज को सबसे पहले देख कर सॉल्व करेंगे और जिन्होंने शो किया है वो एक बार एक्सरसाइज को फिर से देखेंगे और इम्प्रूव करके क्लास में शो करेंगे ओके स्टूडेंट दिस इज टूडे वर्क ऑल स्टूडेंट इन्जॉय योर वर्क एंड टेक केयर